नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर है। खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। बिहार के गया में की गई है इमरजेंसी लैंडिंग। आपको बता दें कि फिलहाल सूखे का जायजा लेने के लिए जा रहे थे सीएम नीतीश कुमार, और इसी दौरान खबर यह आई है कि मौसम बिगड़ गया, मौसम खराब होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बिहार की गया में ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर है। खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। यहाँ पर बिहार के गया में इमरजेंसी लैंडिंग की खबर है। बताया जा रहा है कि सूखे का जायजा लेने जा रहे थे बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, के इसी बीच मौसम खराब हो गया और खराब मौसम की वजह से उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर नीतीश कुमार की हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर है। खराब मौसम की वजह से बताया जा रहा है कि ये लैंडिंग कराई गई है। बिहार के गया में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि सूखे का जायजा लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार जा रहे थे कि इसी दौरान मौसम का मिजाज बदल गया, खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जमीन नुमाइंदा शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल रही फिलहाल? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जो है 5 जिलों के दौरे पर गए थे, यानी 5 जिलों को उनको हवाई सर्वेक्षण करना था, जिसमें गया था, औरंगाबाद, पटना, अरवल और जहानाबाद। चूंकि बिहार में बारिश कम हो रही है और सुखाड़ के हालात बने, उसी की समीक्षा के लिए, उसी के हवाई सर्वे के लिए मुख्यमंत्री गए थे। और इसी दौरान जो मौसम बिगड़ा है, इसके बाद मुख्यमंत्री के जो हेलीकॉप्टर है उसकी जो है इमरजेंसी लैंडिंग गया में कराई गई है। और अब मुख्यमंत्री जो है सड़क मार्ग से पटना को वापस आएंगे। हालांकि जिस समय मौसम बिगड़ा था उस समय ये हो रहा था कि मुख्यमंत्री को वापस आ जाना है, वो टाइम था वापस आने का, लेकिन जिस तरह से मौसम बिगड़ा, मौसम का मिजाज बिगड़ा और जो बारिश हुई उसके बाद जो है उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग जो है गया में हुई। और यहाँ पर पटना में उनको रिसीव करने के लिए तमाम अधिकारी पहुंच चुके थे, जिलाधिकारी, SSP और अन्य जो टीम है मुख्यमंत्री की पहुंच चुकी थी, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि उनका हेलीकॉप्टर जो है वापस पटना में लैंड करता या पटना एयरपोर्ट पे आता, इसीलिए उसकी इमरजेंसी लैंडिंग जो है गया में कराई गई। बिल्कुल, गया में लैंडिंग कराई गई है। फिलहाल अब सूखे का जायजा लेने के लिए कब जाना होगा, कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सूखे का जायजा लगभग मुख्यमंत्री ले चुके थे, चूंकि हवाई सर्वे था और उनको 1:30 बजे के आसपास ही लौटना था और लगभग उसी समय जो है मौसम बिगड़ा और इसके बाद जो है जो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर था उसमें उसके जो पायलट थे उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया और गया में ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। और साफ तौर पर है कि अब जो है सूखे के हालात का जायजा मुख्यमंत्री ने ले लिया था, अब जो है वो पटना गया से पटना जो वापस आ रहे हैं, वापस आएंगे और सड़क मार्ग से वापस आएंगे, चूंकि जो मौसम है वो ठीक नहीं था, वो साथ नहीं दे रहा था। और जाहिर सी बात है कि जो जिक्र आपने किया कि सूखे की जो हालात का जायजा लेना, मुख्यमंत्री उसका लगभग जायजा ले चुके थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका।